Assalamu alaikum. My name is Usman Hanif. My program is BS Math. Today my topic is history of periodic table. We know all the matter in the form of element, matter, element, compound and mixture. We develop element was discovered to easier and easier classification and understanding. बेटर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट हमने इसलिए दरियाफ्त किए ताकि हम उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनको जो अरेंजमेंट है उनकी वो आसानी से हम समझ सकें। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की। कुछ साइंटिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह की कि दे फाइंड आउट सम पैटर्न, उन्होंने कुछ रेगुलरिटीज कुछ पैटर्न फाइंड किया इन दी प्रॉपर्टीज उनकी प्रॉपर्टी पर एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर। उनमें से पहला साइंटिस्ट है जॉन वुल्फगैंग डोबनर ब्राइनर, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1829 में एक ग्रुप फाइंड किया था, कुछ ग्रुप इसने फाइंड किए थे। उसने कहा था कि जो तीन एलिमेंट्स, उसने हर ग्रुप तीन एलिमेंट्स का बनाया था। उसने कहा था कि जो तीन एलिमेंट है उनका दो का सम, उनका यानी मीन है वो सेंटर वाले एलिमेंट होता है। उनका जो अगर मीन लें हम तो सेंटर वाला एलिमेंट होता है। जैसा कि उसने कहा था एक ग्रुप है उसका एक ग्रुप है लिथियम सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और इसका पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। उसने कहा अगर हम इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें तो सेंटर वाला एलिमेंट हमें सेंटर वाले इन दोनों का एटॉमिक मास हम सम करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें जो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो मिल जाएगा। इन दोनों को सम करके हमारे पास 46 आता है, 2 पे डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। लेकिन ये जो डोबनर का लॉ था ये कुछ एलिमेंट्स के लिए, कुछ ग्रुप्स के लिए था। जब ये पूरे पीरियडिक टेबल पे वैलिड नहीं था तो ये सिस्टम ऑफ ट्रायड फेल हो गया। तो इसकी फेलियर के बाद जो ना दूसरे साइंटिस्ट ने इसे अटेम्प्ट किया, इसकी क्लासिफिकेशन की, एक ब्रिटिश केमिस्ट था उसका नाम था न्यूलैंड। उसने टोटल 56 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। उसने इनको इनकी अरेंजमेंट इस तरह से की कि इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस और इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसने ये कहा था कि हर जो 8 वाला एलिमेंट है उससे जो पहले वाला एलिमेंट है ना उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम होती है। लेकिन जब देखा गया, उसने एक पीरियडिक टेबल बनाया तो देखा गया तो वो तकरीबन 17 एलिमेंट्स जो थे ना उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती थी। लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स थे 56 एलिमेंट थे उनमें से 17 की मिलती थी, दूसरे एलिमेंट से वो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी। तो ये न्यूलैंड का जो ऑक्टिव है ये उस वक्त फेल हो गया था। ये इसकी फेलियर के बाद फिर एक रशियन साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की 1894 में। तो उसने कहा कि इनका जो रिलेशनशिप है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का जो रिलेशनशिप है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से और इनके एटॉमिक मासेस के और एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसने इनको अरेंज करना शुरू किया। जब उसने इनको अरेंज किया तो उसने एक पीरियडिक टेबल बनाया जिसमें मेटल नॉन मेटल और जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो उसने अरेंज किए उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की वजह से। ये उसका लॉ मेंडलीव का है, द प्रॉपर्टी द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियड फंक्शन टू इंक्रीज द पीरियड फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जब इसने ये पीरियडिक टेबल बनाया तो उसने इसे नाम दिया इस टेबल को मेंडलीव पीरियडिक टेबल। इसमें होरिजेंटल रोज होती हैं जो 7 रोज हैं, तो 7 रोज हैं
तो इसके बाद वर्टिकल कॉलम होते हैं जो 8 थे उस वक्त। तो इसने जब ये दरियाफ्त कर लिया, जब इसने ये सारे डिस्कवर कर लिए इनके प्रॉपर्टी के लिहाज से, इनको अरेंजमेंट कर इनकी अरेंज कर अरेंजमेंट कर दी इनकी, तो इसने कुछ तीन एलिमेंट्स जो थे ना वो दरमियान में छोड़े। तो उन जब वो डिस्कवर हुए, तो जब उनको उनकी जगह पे रखा गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम उसी लिहाज से जो पीरियड और ग्रुप में जो प्रॉपर्टी कम और ज्यादा हो रहे थे उसी के लिहाज से ना, तो वो उसकी अरेंजमेंट की, वो सेम उसी तरह के एलिमेंट्स थे। उनका नाम है इका बोरोन, इका एलुमिनियम, इका सिलिकॉन। तो जब ये दरियाफ्त हो गए, तो इस मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में कुछ खामियां थी। वो खामियां दूर करने के लिए उसने थोड़ी सी अरेंजमेंट थी ना, जो उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो जो एटॉमिक मासेस थे ना, एक कुबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.93, तो उसके बाद निकल जो उसके आगे एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास था 58.71। इनकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज वो सेम थी, लेकिन इसके साथ जो एक ग्रुप था उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, उसमें से एक मैगनीज MN एटम था, उसकी प्रॉपर्टी इन सबसे डिफर करती थी। तो उसके बाद एक इंग्लिश फिजिस्ट था, इसकी रेगुलरिटीज को इम्प्रूव किया उसने। इंग्लिश फिजिस्ट था, उसका नाम था मोजले। उसने 1913 में जब इसकी इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव किया, जो एलिमेंट रह गए थे उसने 63, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स का पीरियाडिक टेबल बनाया था। तो कुछ एलिमेंट उसमें अभी दरियाफ्त होने वाले रह गए थे, डिस्कवर होने वाले रह गए थे। तो जब उसने डिस्कवर किए, तो इंग्लिश फिजिसिस्ट ने वो मेंडलीव का लॉ यूज करते हुए, यानी इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके पीरियाडिक फंक्शन में एटॉमिक मासेस के लिहाज से जब इनको तरतीब दी, इनको इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से इनको तरतीब दिया, तो एक हमारे पास एक ग्रुप उस वक्त न्यू ग्रुप डिस्कवर हुआ था, जिसका जो नोबल गैसेस थी। तो नोबल गैसेस हमें पता नहीं था चल रहा कि हमने इनको कहाँ रखना है, तो हमने उनको एक अलहदा ग्रुप में रख दिया पीरियाडिक टेबल के राइट साइड पे। तो उससे हमने नोबल गैसेस का नाम दे दिया उन गैसेस को, कुछ गैसेस दरियाफ्त हुई थी। तो इसलिए तो इस वजह से ये जो पीरियाडिक टेबल है, कुछ लोग इसे मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल कहते हैं, और कुछ जो ज्यादातर कहते हैं वो इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। ये पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री थी, और इस तरह पीरियाडिक टेबल दरियाफ्त हुआ। अल्लाह हाफिज़।